पहल भाई शोभना में मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही है दिल्ली का इंडिया गेट। आप इस वीडियो में एक नया ही इंडिया गेट देखेंगे। एक्चुअली पिछले 2-3 सालों से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन के काम हो रहे थे बहुत ही बड़े लेवल पर, और हम देखते थे कि इंडिया गेट तो पहले से ही इतनी अच्छी जगह लगती है और इससे अच्छा क्या बनाएंगे। लेकिन अब जो हमने रिजल्ट देखा वो रियली बहुत ही पहले से बेटर फैसिलिटी के साथ में और बहुत ही एक नए लुक में देखने को मिला। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ एक सैनिक स्थल बनाया है जिसका नाम है इंडियन नेशनल वॉर मेमोरियल, जहाँ अब तक की जितनी लड़ाइयों में अपने वीर भाई शहीद हुए हैं उन सबको आप यहाँ के श्रद्धांजलि दे सकते हैं, इस जगह को देख सकते हैं। यह घूमने वालों की सुविधाओं के लिए अंडरपास बनाए हैं जो बहुत ज़रूरी थे। उसके अलावा पाथवेज, बेंची, झीले, झरने, बोटिंग, चिल्ड्रन पार्क, पार्किंग और इंडिया गेट हर किसी के लिए हर समय ओपन रहता है। 24 घंटे आप यहाँ आके कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए। एक लाइक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया भी आप यूज़ करते हो। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, जिससे कि बेल आइकन से आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। इंडिया गेट के बिल्कुल पास में है इंडियन नेशनल वॉर मेमोरियल एंड बहुत ही पास में है राष्ट्रपति भवन। यहाँ तक आने के लिए आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो बस, टैक्सी एंड ऑटो सर्विस तो अवेलेबल है ही, इजीली मिल जाते हैं। और अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग भी फ्री है। संडे सैटरडे छुट्टी के दिन तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत पब्लिक आती है, क्योंकि किसी तरह की कोई टिकट भी नहीं लगती। फुल डे आप यहाँ पर रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और यहीं से हम देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन भी दिखाई दे रहा है, सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। आप यहाँ बच्चों के लिए छोटी गाड़ियाँ और साइकिल ले सकते हैं जो एक राउंड का 50 रुपये लेते हैं। पहले इस रास्ते का नाम था राजपथ और अब हो गया है कर्तव्य पथ। इसी रोड पे होती है 26 जनवरी की परेड एंड रीटिंग बी ट्रीट 29 जनवरी को। पिछले 2-3 साल जो कोरोना काल का टाइम था उसमें काफ़ी जगह पे दिल्ली में रिनोवेशन हुआ है। चांदी चौक भी बहुत सुंदर हो गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर आपने पहले का इंडिया गेट देखा होगा और अब का देखेंगे तो बहुत चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। बहुत कई जगह अंडरपास बनाए हैं, पाथवेज बनाए हैं जो बहुत सुंदर है, या बैठने के लिए बेंचेज वगैरह बनाए हैं जो पहले नहीं थे। और इस तरह से छोटे छोटे ब्रिज भी बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉन के दोनों साइड, गेट के दोनों साइड में लॉन है और पानी भी है तो इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बोटिंग भी होती है, उसके चार्ज अलग से देने पड़ते हैं। बाकी यहाँ घूमना फिरना अगर आप पूरा दिन भी रहते हैं तो फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता। और आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अपने देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर जब इनॉग्रेशन के बाद मजदूर भाइयों से मिल रहे थे, उनको शाबाशी दे रहे थे उनके कठिन परिश्रम के लिए और उनको प्रोत्साहित कर रहे थे उनके द्वारा किए हुए अच्छे काम के लिए। ऐसे ही दिखने वाला एक बड़ा सा गेट बॉम्बे में है जिसको गेट ऑफ इंडिया कहते हैं, और गेट दिल्ली में है जिसको इंडिया गेट कहते हैं। बचपन में जब हम ये चीज़ें पढ़ते थे तो बड़ा कंफ्यूज होते थे कि कौन सा गेट कहाँ है और दोनों में डिफरेंस क्या है। दिल्ली घूमने के लिए मार्च तक का मौसम बहुत अच्छा होता है और कनेक्टिविटी की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको कई तरह की फैसिलिटी मिल जाती है। और मेरे वीडियोस के थ्रू तो आप दिल्ली देख ही सकते हैं। मैंने प्रॉमिस किया था खुद से और आपसे कि मैं दिल्ली की मैक्सिमम प्लेसेस बहुत जल्दी ही कवर करने वाली हूँ, सबके वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। लेकिन आप में से अगर कोई भी मेरे साथ दिल्ली घूमना चाहे तो अपना इंटरेस्ट ज़रूर बताइए कॉमेंट बॉक्स में। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आधे से एक घंटे में आप इंडिया गेट को देख सकते हैं, घूम सकते हैं। वैसे ये 24 आवर्स खुला रहता है, ओपन टू ऑल एवरी टाइम। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन एंड नेशनल वॉर मेमोरियल की भी कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कभी भी यहाँ आके घूम के देख के जा सकते हैं। कीप वॉचिंग, अभी वीडियो बाकी है, पिक्चर्स भी बाकी है, लास्ट तक देखिए। मेरे सभी वीडियोज़ की डिटेल देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, जो भी आप यूज करते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मुझे सपोर्ट मिलेगा और नए वीडियोस बनाने के लिए। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको मेरे सभी नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी। और मेमोरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम दिल्ली के वेदर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो आप जब आएँ तो इस टाइम का ध्यान रखिए। वैसे मार्च तक तो 9 to 7 PM ओपन रहता है।
ये था नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसको हमने अभी मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है क्योंकि ये नया ही बना है, कुछ महीने पहले ही ओपन हुआ है, महीने पहले ही बन के तैयार हुआ है। यहाँ पर किसी भी सैनिक का आप नाम सर्च कर सकते हैं जो शहीद हो चुके हैं उनका, और श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और यहाँ जो दीवारें हैं उन सभी दीवारों पे 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वहाँ पर शहीद हुए थे उन सभी वीर सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। यहीं पर स्मारिका नाम की एक शॉप है जहाँ से आप गिफ्ट मोमेंटो वगैरह लेके जा सकते हैं। वॉर मेमोरियल घूमने के लिए भी आधे से एक घंटे का टाइम काफ़ी होता है। इस जगह से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। कुछ फ्रेंड्स मुझसे पूछती है कि शोभना क्या तुम अकेले घूमती रहती हो, तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ आप कि हाँ जी, मैक्सिमम प्लेसेस पे तो मैं अकेले ही जाती हूँ, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुछ लाइनें मेरे साथ रहती है, वो है एकला चलो रे।